भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। एडवोकेट हनुमान यादव साहब कचहरी पाड़ा में आप आए हुए हैं और कोर्ट के बाजू में जो दीवार का काम हो रहा है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को लगकर, तो इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं कि आधी दीवार का काम किया गया है और आधी दीवार जूनी है, आधी दीवार पुरानी है और आधी दीवार का काम किया गया है। और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की तरफ जो दीवार गई है वहां पर जो दीवार है उसको ही कंटिन्यू करके उसे पेंट किया जाने वाला है, उसमें कोई न्यू रिपेयरिंग का काम नहीं किया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ वकील की। कौन सा? ये भिवंडी भिवंडी सिविल कोर्ट है। भिवंडी सिविल कोर्ट है, ओके। थाना में भी करता हूँ। हाँ। ये पीडब्ल्यूडी का बांधकाम है। हाँ। और पीडब्ल्यूडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ओके। मैं ये नहीं बोल सकता कि इसमें है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है कि इसका टेंडर पूरा हो, 100% काम का हो, और हो सकता है कि आधे का भी हो। ये आपको जब पता चलेगा, आप जब राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और उसका टेंडर निकाल लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कंपाउंड का काम जो है वो पूरा है या आधा है गवर्नमेंट के पास से। जी। तो आपको दो काम करना पड़ेगा कि आपको पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव डिवीजन नंबर 1 में इसका राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। जी। इसका टेंडर आपको देखना पड़ेगा कि ये काम जो है ये पूरा पूरा है कि सिर्फ आधा ऊपर का ये जो बना है ये लोग ने, तब आपको पता चला कि इसके अंदर खोटा क्या है, सही क्या है, सच क्या है और क्या करप्शन है। लेकिन मोस्टली पीडब्ल्यूडी के काम के अंदर करप्शन होते रहता है। काम चार आना होता है, बिल 1 रुपये निकलता है, ये एक्सपीरियंस है। लेकिन हमारे वकील लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करते, कोई तकरार नहीं करते, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। ये भारत के, ये महाराष्ट्र की जनता का टैक्स पेयर का पैसा, जो लोग टैक्स भरते हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से ये सब बनता है। तो हर नागरिक को अधिकार है इसके बारे में देखने का, जान के लेने का, समझ के लेने का कि ये भाई ये काम सही बना है क्या, गलत बना है क्या, इसके अंदर कुछ गलत है, मतलब खोटा काम बना है, ये सबको अधिकार है। मेरे को नहीं, वकील लोगों को नहीं तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वकील लोग एक कानून का न्याय देने वाली पार्टी है, तो वकील लोगों को ज्यादा हक है कि वो लोग जाने। कम से कम कोर्ट के बाजू में जो बिल्डिंग बन रहे कंपाउंड, उसमें तो कुछ हेराफेरी नहीं है। जी, इतना तो कम से कम वकील लोग ने जान के लेना चाहिए। लेकिन इतना भी वकील लोग है ना, कोशिश नहीं करते। लेकिन आप मिले हैं मेरे को, सडनली आप मुझे पूछा है, तो मैंने आपको जवाब दिया है। इसके अंदर दो रास्ता है, एक हो सकता है टेंडर पूरा हो और काम आधा हो रहा है, हो सकता है कि टेंडर आधा हो और काम भी आधा हो, तो आपको इसके लिए राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा, एडवोकेट हनुमान यादव साहब ने एक एक अनुमान जताया है कि शायद हो सकता है इस मरम्मत के काम में करप्शन की बू आ रही है, और इन्होंने आवाज़ उठाई और साथ ही साथ सभी वकीलों के, क्योंकि ये दीवार भिवंडी कोर्ट से लगकर है और अगर इसमें कुछ करप्शन हो रहा है तो भिवंडी की के जो वकील हैं उन्हें सबसे पहले आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि रोज़ उनका इस कोर्ट से वास्ता पड़ता है और आना जाना लगा रहता है। अगर वकील ही आवाज़ नहीं उठा सकते ऐसे करप्शनों पर, तो आम जनता की तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। यही कारण है कि हम आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए आज हमारा शहर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। हर फील्ड में हमें भ्रष्टाचार नज़र आता है। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट हनुमान यादव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।